और वेलकम बैक टू माई चैनल सो एज़ आई प्रोमिज इन माई प्रीवियस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू ब्लॉग फॉर अ होल वीक मतलब हर दिन मैं एक नई वीडियो शूट करूँगी तो so, वैसे ही कल मंडे था कल मैंने सारी वीडियो अच्छे से शूट की मतलब जो भी मैं डेली रूटीन में जो भी काम करती हूँ जो भी चीज़ें सुबह से शाम तक करती हूँ ना सारा कुछ मैंने कल शूट किया एंड uh, आप लोगों ने वो वीडियो देख ही लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके देखो मैं ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक डाल दूँगी सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो सो टुडे इज़ ट्यूज़डे आज है दशहरा सो so आज बहुत सारे लोगों का हॉलीडे है मेरे हॉस्टल में भी सारे फ्रेंड्स लोगों का हॉलीडे है पर मेरा नहीं है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट लोकेशन सो मेरी जो क्लाइंट की लोकेशन है वहाँ पे हॉलीडे नहीं है आज तो मुझे भी हॉलीडे नहीं मिला एनी आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे बिकॉज कंपनी में बहुत सारे लोगों का हॉलीडे है और मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऑफिस भी गया होगा सो दैट्स वाई आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे मतलब हॉस्टल में नो फूड डे फॉर टुडे क्योंकि उन लोगों की भी आज छुट्टी है सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं तो हमें अपने खाने पीने का इंतजाम आज खुद से करना है और आज मैं इतना ज़्यादा लेट उठी हूँ ना मतलब वो दिमाग में था कि कल तो छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं थी बस सब लोग ऐसे बात कर रहे थे हॉस्टल में तो मेरे दिमाग में था कि यार कल तो छुट्टी है सो so, आज मैं बहुत देर तक सोती रह गई अराउंड नाइन थर्टी और नाइन फोर्टी फाइव पर आई वो कब मैंने जैसे ही टाइम देखा ओ गॉड आज फिर से मैं लेट हो जाऊँगी सो आई डिड माई मेडिटेशन एंड फटैक से मैं नहाने के लिए चली गई मैंने कुछ भी नहीं किया आज बेड भी नहीं बनाया कुछ भी नहीं बस नहा कर आई और लॉग इन किया और अपना इंट्रो रिकॉर्ड करने आ गई क्योंकि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और मैं पूरे वीक एक एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ मुझे इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है और मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी मेरे बेड की हालत देखो मैंने कुछ भी नहीं किया ये ऐसे पड़ा हुआ है मेरा लैपटॉप रखा है ये ऐसे सब चीज़ें रखी हुई है मेरा काम भी चालू है सो फटाफट से हम पहले अपने ब्रेकफास्ट का कुछ जुगाड़ करते हैं मैं लॉग इन कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों तो से मिलती हूँ सुबह से कुछ खाया नहीं था गाइज़ मैंने और मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ से भूख लग गई थी ना थैंक गॉड आई हैव माई सोक्ड ड्राई फ्रूट तो थोड़ा बहुत इससे काम चल गया था देन आई टुक सम टाइम फ्रॉम माई वर्क एंड मैं बाहर चली गई थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मतलब थोड़ा सा काम से टाइम निकाल कर क्योंकि ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी था क्योंकि भूख से हालत ख़राब हो रही थी और मेरे फ्रेंड्स लोगों की भी छुट्टी थी तो वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे तो हम जाकर चाय और बिस्किट खाकर आए थे पास में ही मार्ट था तो मैंने सोचा कि चलो यार लंच का इंतजाम अभी कर लिया जाए कौन ही बार बार चिक चिक करेगा सो so, सबने सोचा था कि मैगी या पास्ता कुछ ऐसे ही बना लेंगे बट मेरा ना मैगी खाने का कुछ खास मन नहीं था सो आई वॉज सर्चिंग फॉर पास्ता पास्ता बड़ा ही ईजी पीजी सा लगता है मुझे ये जो पास्ता है ना ये वाला जो मैं देख रही हूँ ये वाइट सॉस वाला पास्ता है बहुत ईज़ी है फिफ्टीन मिनट्स और ट्वेंटी मिनट्स में बन जाता है कुछ काम नहीं करना पड़ता आगे मैं दिखाऊँगी इसे कैसे मैंने बनाया था सो मैंने फटाफट से से पास्ता ले लिया और मैं चल पड़ी अपने रूम की तरफ क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा काम था छुट्टी वाले दिन ना ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज्यादा काम हो जाता है उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज पढ़ ली थी बिकॉज इट गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स और थोड़ा सा सुकून मिल जाता है फिर उसके बाद लंच के लिए जो पास्ता मैंने लाया था चीज़ मैक्रोनी वाला उसे मैं मेस में लेकर जाने लगी थी अपना सारा थाम झाम लेकर क्योंकि भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यार अभी लंच का भी टाइम हो गया तो फटाफट से बना लेती हूँ तो मैं ऊपर मेस में चली गई थी यहाँ पे गैस रखा हुआ है तो वहाँ पर यू कैन कुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये रेसिपी रेसिपी भी नहीं कहेंगे बस ईजी टू कुक हम कह सकते हैं इसे सो so, मैक्रोनी को एक पैन में जितना भी आपको पानी लगे आई थिंक मैंने वन ग्लास पानी लिया था उतना पानी में ये अच्छे से हो जाता है सो so, इसको थोड़ी देर आपको बॉईल होने के लिए रहने देना होता है उसके बाद इसके साथ में एक पैकेट आता है इसमें पूरा मसाला दिया हुआ रहता है सो so, ये बहुत टेस्टी सा ना वाइट सॉस पास्ता बन जाता है सो so, इसको मैं पूरे अच्छे से डाल रही थी पूरा टाइम आपको इसे स्पून से ऐसे चलाते हुए रहना होता है क्योंकि ये चिपकने लगता है इसीलिए ये चिपके ना और ज़्यादा यू नो नीचे नीचे ऐसे गाढ़ा गाढ़ा होने लग जाता है सो so इसलिए मैं इसे पूरा टाइम चला ही रही थी मतलब फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं इसको उसके बाद से ना बड़ा ही मज़ेदार सा पास्ता बन जाता है सो so ये बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी भी हो जाती है जब भी आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आपको कुछ ज़्यादा ताम झाम करने का मन नहीं है तो so मैं अक्सर पास्ता का पैकेट्स ला के रखती हूँ और इसे बना फटाफट से खा लेती हूँ कि ये टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है और टेस्टी भी लगता है मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है उसके बाद मैं नीचे अपने रूम पर आ गई थी क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो खाते खाते ही बना लेती हूँ क्योंकि बनाने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग ही गया था सो so, इसको मैंने अपने प्लेट में निकाल लिया था और इसके ऊपर मेरे पास पिज्ज़ा वाला जो होता है ना डोमिनोज का चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो रखा हुआ था सो वो एक एक पैकेट मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ट्रस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना अगर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नहीं होता तो ये ओके ओके लगता पर उसे डालने के बाद ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन गया था सो गाइज so अभी मैंने अपना लंच किया है लंच मतलब लंच में मैंने सिर्फ पास्ता खाया है और हम प्लान कर रहे हैं कि रात में कुछ अच्छा सा खाएं मतलब दिन भर में ऐसे ही कुछ भी कुछ खा रहे हैं हम सो so, सोच रहे हैं कि डिनर में कुछ अच्छा सा खाएं मतलब बिरयानी खाने का मन कर रहा है सो लेट्स सी हम क्या करते हैं अभी तो मुझे बहुत सारा काम है ऑफ़िस का सो so, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीच बीच में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैं नॉर्मली अपने ऑफिस का ही काम कर रही हूँ सो so, हम मिलेंगे जब मैं लॉग ऑफ कर लूंगी उसके बाद मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी मैनी आफ्टर हेक्टिक वर्क आई फाइनली लॉग ऑफ फ्रॉम माई ऑफिस वर्क सो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा दिमाग को शांत करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी मंडाला आर्ट वाली जो मैंने बुक ऑर्डर की थी ना लास्ट वीडियो में आप लोगों तो ने देखा होगा मैंने इस बुक को अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी सी कलरिंग वगैरह करते हैं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इसमें कुछ तो करने का मतलब कलरिंग करने का इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी कलरिंग करने के लिए मैं फटाफट से ये इतना बड़ा सर्कल है ना मतलब एक दिन का काम तो नहीं है ये अगर आपके पास थोड़ा बहुत ही टाइम है तो ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने थोड़ा ही किया था मैंने सोचा कि अब बाद में करूँगी क्योंकि आई वॉज़ वेरी टायर्ड दैट डे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलरिंग की और इट वॉज सो रिलैक्सिंग देन वन ऑफ माई फ्रेंड इन पिजी ऑफर मी पिज्जा क्योंकि उसने पिज्जा ऑर्डर किया था बहुत ज्यादा उसे क्रेविंग हो रही थी पिज्जा खाने की क्योंकि नो फूड डे था हॉस्टल में कुछ भी नहीं मिलने वाला था खाने पीने के लिए तो शाम शाम में होता है ना कि हमें थोड़ी भूख लग जाती है सो शी ऑर्डर पिज्जा तो उसने कहा था कि चलो आ जाओ हम थोड़ा बहुत पिज्जा खा लेते हैं फिर डिनर करेंगे सो आई वेंट देअर अब पिज़्ज़ा से ही हमारा पेट तो भरेगा नहीं डिनर भी करना था सो डिनर के लिए हम चले गए थे बिरयानी लेने के लिए हमने सोचा कि चलो दिन भर तो ऐसी आलतू फालतू तो चीज़ें ही खाइए अब कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं सो हमने चिकन बिरयानी लेकर आया था बिरयानी बहुत सो टेस्टी यहाँ पे पास में एक बहुत ही अच्छी सी बिरयानी मिलती है सो उसके साथ में ये रायता मिला था और ग्रेवी थी और चिकन बिरयानी और कुछ सैलड था डिनर करने के बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ और यू you नो know, थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिता लूँ क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए ना अपनी अपनी लाइफ में और इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है हमारा कि हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मी टाइम ही भूल जाते हैं बट मी टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में यू कान बिलीव दिस क्योंकि जब भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ और ख़ुद के लिए वक्त नहीं निकालती खुद के लिए कुछ करती नहीं हूँ थोड़ा सा सुकून से एक जगह बैठती हूँ नहीं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता है सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टेरिस पे जाऊँ और टेरेस बहुत अच्छी सी जगह होती है आई नो सबके लिए होती ही होगी मेरे लिए तो है टेरेस पे बहुत अच्छी सी हवा चलती है बेंगलोर का मौसम तो आप लोगों को पता ही है कितना प्यारा होता है सो so, मैं अक्सर टेरेस पे जाके वॉक करने लग जाती हूँ डिनर के बाद और यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं पी में जितने भी रहते हैं तो सारी लड़कियाँ रहती है हम सब बात करते हैं अपना अपना दिन डिस्कस करते हैं थोड़ी सी गॉसिपिंग करते हैं तो मजा आता है और मुझे ना चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है पता नहीं क्यों एक अच्छी सी यू नो गुड वाइब्स मिलती है जब भी मैं चांद को देखती हूँ मैं हमेशा उसकी फ़ोटोज़ लेते रहूँगी और उसे देखते रहूँगी कुछ लोगों को सनराइज सनसेट देखना पसंद होता है वैसे ही मुझे चांद को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है सो so, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करना पसंद करती हूँ आफ्टर थर्टी मिनट्स आई गेस आई केम बैक टू माई होम और मैं यहाँ पे चम्पी कर रही थी क्योंकि चम्पी करने से ना बड़ा ही रिलैक्सिंग लगता है मुझे और अच्छा भी होता है आप की हेयर ग्रोथ के लिए पर हेयर तो क्या ही बचे चार बाल तो गिनती के बच्चे हैं अभी उसकी ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो चार बाल भी नाराज़ होकर ना चले जाएं सो so, मैं चंपी कर रही थी उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर रात को ऐसे ब्रेड्स बनाकर सोऊँ मैं कभी भी अपने बाल खुले करके या फिर पोनी तेल डाल के या फिर ऐसे बन बना कर नहीं सोती हूँ हमेशा मैं इसे हल्की हल्की सी मतलब बिल्कुल लूज़ ब्रेड बना के सोती हूँ वो अच्छा होता है सोने में थोड़ा वक्त था तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं अभी टेन फिफ्टीन हो रहे थे तो आई थॉट कि आई शुड स्टडी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर जब भी ऑफिस जाना होता है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बट वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि आज मैं लेट भी उठी थी तो मुझे नींद उतनी आ नहीं रही थी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ मतलब जो एक्चुअल एजुकेशन होती है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट दी राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट योर करियर बिकॉज मेरी फील्ड अलग है और आप मुझे देख रहे हो आप लोगों की फील्ड अलग हो सकती है फील्ड की बात नहीं है आपकी कुछ अलग हॉबीज़ भी हो सकती है तो आप उस हॉबी में भी क्या अच्छा कर सकते हो जस्ट ट्राई टू लर्न सो गाइज अब वक्त आ गया है कि अब हम ख़ुद को थोड़ा सा आराम दें क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली शूटिंग कर रही हूँ काम कर रही हूँ सो आज ना मुझे बड़ा ही टायर्ड फील हो रहा है सो या आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे ब्लॉगिंग करने में अपने काम के साथ साथ So, yeah, अब मैं चली हूँ सोने आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय